₹1500 लगा के 15 लाख जीता था, 83+ ग्रैंड लीग जीता है, तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे जीतोगे और दूसरों को भी सिखा दोगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतने के टिप्स, क्योंकि ग्रैंड लीग सब कोई जीतना चाहता है बट जीत नहीं पाता है। क्यों नहीं जीत पाता है? साल साल भर आप लोग मेहनत करते हो, एक एक साल मेहनत करते हो, दो दो साल मेहनत करते हो, लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाता है। हर बार IPL आता है, वर्ल्ड कप आता है, बट ग्रैंड लीग नहीं विन होता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो, वो सारे मिस्टेक आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे जीतोगे और दूसरों को भी सिखा दोगे, मजा आ जाएगा। वीडियो देखोगे तो भाई आपको लगेगा हाँ कुछ सीखा हूं, और आज से ये प्रयास करूंगा, ये कोशिश करूंगा तो ग्रैंड लीग में जीत जाऊंगा। तो देखो और सीखो, और पता है वही लोग आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है या उसके बारे में बता सकता है जिसने कभी भी ग्रैंड लीग जीता है। मैंने 82 82+ ग्रैंड लीग जीता है, सच भी कर सकता हूँ। विनर में जाओगे ना, आजकल विनर में जो लोग ग्रैंड लीग जीते हैं ना ड्रीम पे, उसका नाम दिख जाता है, मेरा नाम दिख जाएगा, कुमार508 मेरा ड्रीम का जो ID है उसका नाम है। आप जाके सर्च करना विनर पे, आपको दिख जाएगा। 1 लाख लोगों में फर्स्ट आया था, और पता है सिर्फ ₹1500 लगा के 15 लाख जीता था। सकता हूँ कि ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हो। चलो सीखो, आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, बस आप वो पॉइंट नोट कर लेना और उसको फॉलो कर लेना, देखना मजा आ जाएगा। ग्रैंड लीग में आपका रैंक इतने अच्छे आएंगे कि सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको बताता हूं, सबसे पहले जब भी मैच होता है, सबसे पहले जब भी मैच होता है आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले टॉस, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉस में क्या ध्यान रखना, जो टीम जो टॉस जीतेगा बैटिंग का फैसला लेगा, तो ये समझ लेना कि बैटिंग को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर बॉलिंग का फैसला लिया तो ये समझ लेना कि बॉलिंग को सपोर्ट मिलेगा। हाँ एक बात ये भी आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर स्पिनर को ज्यादा खिला रहा है, स्पिनर को अगर ज्यादा ज्यादा खिला रहा है तो स्पिनर को हेल्प मिलेगा, और अगर पेसर्स मतलब फास्ट बॉलर को ज्यादा खिला रहा है तो ये याद रखना कि फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टीम बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो कैसे फास्ट बॉलर को रखना है, कौन सा स्पिनर रखना है, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा जो आप लोग गलती करते हो, कैप्टन वाइस कप्तान, अगर आप रिस्की कैप्टन बनाते हो, C और VC, पता है CVC में आप सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो, CVC में सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं इरेज नहीं करूंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा इरेज हो गया। दूसरा गलती करते हो आप कैप्टन कैप्टन और वीसी पे, क्या करते हो कैप्टन वीसी पे, या तो बहुत ही रिस्की कैप्टन बना देते हो, ठीक है, बहुत ही रिस्की कैप्टन बना देते हो जिनका चलने का बिल्कुल चांस नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये चल गया तो क्या पता मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा, और उसका ना बैटिंग आ पाता है ना बॉलिंग आ पाता है और आप हार जाते हो। या तो आप बहुत ही सेफ कैप्टन बना देते हो जिसको पूरा दुनिया कैप्टन बनाता है, और वो उस दिन मैच में कम रन या कम पॉइंट देता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर हमेशा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो कैप्टन वाइस कप्तान पे आप लोग हमेशा गलती करते हो, पहला टॉस पे गलती करते हो, दूसरा कैप्टन वाइस कप्तान पे गलती करते हो, और तीसरा आप लोग क्या करते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में गलती करते हो। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में सबसे बड़ा गलती करते हो, क्या करते हो आप लोग ना 20-20 टीम बना देते हो। आपको बताऊं, मैंने 82 ग्रैंड लीग जीता है सिर्फ 3 या 6 टीम बना के मैंने 82 ग्रैंड लीग जीता है। 20 टीम बना के मैंने आज तक कभी नहीं जीता है, मैंने जिंदगी में 1 या 2 बार 20 टीम बनाया, मैंने कभी नहीं जीता है 20 टीम बना के। आप जब 20 टीम बना देते हो ना, आपको लगता है कि मैंने सबको तो कैप्टन बना दिया, 20-22 प्लेयर होता है, आप क्या करते हो 22 में से 20 प्लेयर को कैप्टन बना दिया, मान लो 20 में से कोई तो परफॉर्मेंस करेगा, बट भाई आपके प्लेइंग 11 सही होना चाहिए, आपके 11 प्लेयर सही होना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन चल गया और 11 प्लेयर सही नहीं है तो कहां से जीत लोगे। तो इसलिए टीम भले आप कम बनाओ, 6 टीम, मैंने हमेशा 6 टीम से ग्रैंड लीग जीता हूं, टीम कम बनाओ बट सोच समझ के रिस्क लो, और कैसे रिस्क लेना वो हम आपको वीडियो में बता देंगे। चलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे टॉस पे, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूं, एक बार रिमूव करने दो मेरे को, फिर हम बात करेंगे। इसमें इरेज थोड़ा सा छोटा है तो इसमें छोटा इरेज होता है, ऐसे रिमूव होता है क्या इसमें, हाँ हो जाता है, हाथ से भी होता है। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस पे,
तो आपको बताता हूं, जब मैच स्टार्ट होता है ठीक है, उसके 25 मिनट पहले टॉस आ जाता है, 25 मिनट पहले ही आपको टॉस दिखाई देगा ठीक है, और पिच रिपोर्ट भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। जब टॉस और पिच रिपोर्ट आए तो आप ये जरूर याद रखना कि हर मैच में फास्ट बॉलर पांच था, मतलब पांच बॉलर रखते हैं जिसमें तीन बॉलर फास्ट है, दो स्पिनर है या चार फास्ट बॉलर है। आज अगर आप देखोगे तीन स्पिनर रख लिया है, तीन स्पिनर रख लिया और दो फास्ट रखा है। अब पूरा दुनिया क्या करेगा, फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि बाय द वे मान लो मैं इंडिया का प्लेयर ले लेता हूं, मोहम्मद शमी कंटिन्यू चार विकेट लेके जा रहा है, बट अगर युजवेंद्र चहल अगर आज खेला, आज युजवेंद्र चहल को मौका मिल गया और ये इस ग्राउंड पे स्पिनर को हेल्प मिलेगा, स्पिनर को हेल्प मिलेगा ठीक है। अब क्या करेगा लोग ना, चहल को नहीं रखेगा, शमी को रखेगा। उस दौरान आप स्पिनर को रखना ज्यादा, आप चहल को अपनी टीम में रख लेना ठीक है। यहां पे आपका एक सिलेक्शन हो गया, ये आपके लिए पता चल गया कि स्पिनर को हेल्प मिलेगा, पिच रिपोर्ट पता चल गया, टॉस में आपको यह भी पता चलेगा क्योंकि जब टीम स्पिनर को ज्यादा खिला रहा है तो यह आपको पहले पता चल जाएगा कि स्पिनर को हेल्प मिलेगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन पे कैसे रिस्क ले सकते हो, देखो सी और बीसी पूरा दुनिया बनाएगा शमी को कैप्टन, क्यों? क्योंकि शमी हर मैच में विकेट लेके जा रहा है, या मान लो विराट कोहली हर मैच में रन बना रहा है ठीक है, तो विराट कोहली को सब लोग कैप्टन बनाएगा। बट आप क्या करना, मान लो आज अगर चहल ठीक है, चहल को आज टीम में खिलाता है क्योंकि पिच जो है स्पिनर को हेल्प, मतलब आपको पता चल रहा है कि पिच रिपोर्ट आया है, स्पिनर को यहां पे हेल्प मिलेगा, तो फिर आप ना बना देना चहल को कैप्टन, चहल को कैप्टन बना देना, क्योंकि अगर स्पिनर को बहुत ज्यादा हेल्प मिला और बॉल टर्न किया और पिच में क्रैक है, ड्राई पिच है, तो आप ये याद रखना कि स्पिनर को पूरे हेल्प मिलेंगे और चहल उस टाइम में हो सकता है कि शमी से ज्यादा विकेट ले ले और तीन विकेट ले सकता है। और जब तीन विकेट ले लिया सोचो आप वन साइड जीत सकते हो। और अगर मान लो टीम में जडेजा भी आ गया तो आप क्या कर सकते हो, वाइस कप्तान आप जडेजा के साथ जा सकते हो। ये क्या हो गया आपके लिए, एक सेफ हो गया कि जडेजा आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करते हुए दिखा देगा, और चहल अगर तीन विकेट ले लिया तो आप वन साइड जीत सकते हो। तो ये वाला अगर आप लॉजिक यूज करोगे पक्का आप ग्रैंड लीग एक ना एक दिन बड़ा वाला ग्रैंड लीग जीत लोगे ठीक है। अब आपको बताता हूं, आप यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, चलो सेम कलर रखते हैं, रेड कलर कर देता हूं ठीक है। आपको बताता हूं, आप लोग 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो वो बहुत गलत करते हो, करो नो डाउट, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, बट आपको बताता हूं आप चाहोगे तो 6 टीम से भी जीत सकते हो, मैंने 6 टीम से ही जीता है। 6 टीम अगर आप बनाओगे ना तो कैसे बनाना है आपको बताता हूं, 3 टीम बनाना आप पूरा सेफ ठीक है। प्लेइंग 11 आप 11 प्लेयर में 10 प्लेयर रखना सेफ प्लेयर को और एक प्लेयर रखना रिस्की को। ये टीम क्या होगा, या तो आपको एक प्लेयर जो रिस्की रखे हो वो जिता देगा आपको, या तो हो सकता है ये आप 3 टीम जो बनाए हो ये हार जाओगे, बट 3 टीम बनाना आप रिस्की। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप जब भी ग्रैंड लीग टीम बनाओगे ना कभी लॉस में नहीं रहोगे, अगर ये रिस्की टीम नहीं चला तो ये तीन जो मतलब सॉरी सेफ टीम अगर नहीं चला तो ये तीन जो रिस्की टीम है ना ये आपका जो अमाउंट है ना ये वापस भी ला सकता है और ये आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकता है। और जिस दिन रिस्क सेफ टीम चल गया उस दिन सेफ टीम से आप अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पता है आप पक्का ग्रैंड लीग जीतोगे, और ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं और ये बहुत लॉजिक वाली बात है ठीक है। खास करके पिच रिपोर्ट का पूरा ध्यान रखना, पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा, वहां से आपका एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो स्पिनर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है वो भी करते हुए दिखाई देगा। अगर फास्ट बॉलर को पिच में हेल्प मिल रहा है ठीक है, तो ये याद रखना कि फास्ट बॉलर विकेट लेके जाएंगे, उस टाइम आप स्पिनर को सारे ड्रॉप कर सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करना और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, जहां पे आपको फाइनल टीम मिलता है, ग्रैंड लीग का टीम, स्मॉल लीग का टीम, सारे टीम मिलता है। ओके, ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।